नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री फैक्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त रतन सिंह। इस वीडियो में हम बाघ और शेर के बारे में जानेंगे, तो फिर चलिए शुरू करते हैं वीडियो। हमारा आज का सवाल है कि शेर और बाघ में क्या अंतर है और इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना इस सवाल में थोड़ा सा बदलाव करते हुए इसमें जगुआर, तेंदुआ और चित्ता के बारे में भी थोड़ा जान ले। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। आपने वो रजनीकांत का मशहूर डायलॉग तो सुना ही होगा, रजनीकांत की फिल्म शिवाजी द बॉस का डायलॉग। अरे वही कौन सा था, हाँ, जिसमें वो कहते हैं कि में तो सुअर आते हैं, शेर अकेला ही आता है, अकेला ही आता है। अब इसे बदल कर ऐसा कर दीजिए कि झुंड में तो शेर आता है, बाघ अकेला ही आता है। शेर और बाघ के बीच में ये सेम फर्क जानकर रजनीकांत की फिल्म का डायलॉग भी फेल हो जाएगा। शेर और बाघ में क्या अंतर है, चीते तेंदुआ और जगुआर के बारे में भी जानते हैं। शेर और बाघ दोनों जंगली जानवर हैं जो बिल्ली प्रजाति के सदस्य हैं। अक्सर हम इन दोनों जानवरों को पहचानने में गलती कर जाते हैं। यहाँ तक कि बड़े बड़े मीडिया संस्थानों के पत्रकार भी अपनी खबरों में कभी शेर को बाघ तो कभी बाघ को शेर बना देते हैं। लेकिन एक ही प्रजाति का होने के बावजूद दोनों में बहुत अंतर है, जो आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा, तो फिर वीडियो पूरा देखना। तो फिर हम जानते हैं पहला अंतर। दिखावट से ही दोनों जानवरों को पहचाना जा सकता है। शेर के गले में बालों का एक बड़ा घेरा होता है, लेकिन बाघों के ऐसा कुछ नहीं होता। मादा शेरों के गले में बालों का घेरा नहीं होता है, लेकिन उनके शरीर की बनावट बाघों से अलग होती है। अब जानते हैं दूसरा अंतर। बाघों के शरीर पर काली धारियां होती हैं, जबकि शेरों के शरीर पर किसी तरह की धारियां नहीं होती। अब जानते हैं तीसरा अंतर। बाघ शेरों के मुकाबले ज़्यादा लंबे, भारी और ताकतवर होते हैं, जबकि शेर अब बाघों के मुकाबले ऊंचाई में लंबे होते हैं। बाघ शेरों के मुकाबले ज़्यादा सुस्त, फुर्तीले और उग्र होते हैं, जबकि शेरों के बारे में सोचा जाता है कि वो आलसी किस्म के होते हैं और तभी कुछ करते हैं जब उन्हें वाकई में कुछ करने की ज़रूरत पड़ती है। अब जानते हैं पांचवा अंतर। शेर बाघों के मुकाबले ज़्यादा सामाजिक होते हैं और झुंड में रहना पसंद करते हैं, जिन्हें प्राइड्स कहा जाता है। शेर की तुलना में बाघ अकेले रहना पसंद करते हैं। इस अंतर से रजनीकांत की फिल्म शिवाजी द बॉस का डायलॉग फेल हो गया, जिसमें वो कहते हैं झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर अकेला आता है। अब इसे बदल कर ऐसा कर दीजिए, झुंड में तो शेर आते हैं, बाघ अकेला ही आता है। अब जानते हैं सट्टा अंतर। शेरों के हर झुंड में एक नर शेर झुंड की कमान संभालता है और शेरनी समूह के लिए शिकार करते हैं और फिर सब मिलकर उसे खाते हैं। बाघ अपने खाने का इंतजाम खुद शिकार करके करता है। चित्ते, तेंदुए और जगुआर भी बिल्ली प्रजाति के सदस्य हैं। बिल्ली प्रजाति में कई जानवर शामिल है, जिनमें शेर और बाघ समेत चीते, तेंदुए और जगुआर को बड़ी बिल्लियों कहा जाता है, क्योंकि ये बिल्ली प्रजाति के सबसे बड़े जानवर हैं। आपने शेर और बाघ के बारे में तो जान लिया है, अब थोड़ा सा चीते, तेंदुए और जगुआर को भी जान लीजिए। चित्ता। चित्ता पृथ्वी के थल पर चलने वाला सबसे तेज प्राणी है। किसी समय यह भारत समेत रूस, ईरान और मध्य पूर्व में पाया जाता था, पर लगातार शिकार होने के वजह से आज ये केवल अफ्रीका के पूर्वी और दक्षिणी भागों में पाया जाता है। वर्तमान समय में दुनिया में चित्तों की गिनती महज 10,000 के आसपास बसी है। चित्ते की आंखें से मुंह तक गहरी काली रेखाएं होती है। इसके शरीर पर काफ़ी महीन काले रंग के धब्बे होते हैं। इसके सिवाय 500 बड़ी बिल्लियों में इसके चेहरे का आकार सबसे छोटा होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि चीता दहाड़ नहीं सकता। अब जानते हैं तेंदुए के बारे में, जिसे अंग्रेज में लियोपार्ड भी कहते हैं। चित्ते की तुलना में तेंदुए की कद काठी भारी होती है और उसके शरीर पर छोटे छोटे काले रंग के धब्बे होते हैं। तेंदुआ अफ्रीका, भारत, एशिया के दूसरे हिस्सों समेत मध्य पूर्व के देशों में भी पाया जाता है। इसका आकार बाघ और शेर के मुकाबले छोटा होता है। अब जानते हैं जगुआर। जगुआर तेंदुए से मिलती जुलती प्रजाति है, पर
दोनों में सबसे बड़ा अंतर यह है कि जगुआर अमेरिका में पाए जाते हैं, जबकि तेंदुआ एशिया और अफ्रीका में। तेंदुए की तुलना में जगुआर का शरीर बड़ा होता है और इसके शरीर का धब्बे बड़े और बिखरे हुए होते हैं।